आज आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा, जो कल एक पार्ट आपका कल कराया था मैंने, एक उससे पीछे कराया था, पीछे वाला फर्स्ट पार्ट था उसमें 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक थे, कल जो पार्ट कराया था उसमें 9 से लेकर 13 तक थे, आज 14 से लेकर आगे चलेंगे नेक्स्ट। वैसे तो ये सारा एक वीडियो में हो जाता है, लेकिन अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनका मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से। इस सवाल में जो दिया है ना, उसका सिंपल मतलब है हमें जज करना है, पता करना है, जज करके बताना है कि इसमें आखिर जो सर्किट है वो उनकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो रेजिस्टेंस दिए है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगा और रेजिस्टेंस इन सीरीज होगा, इन दोनों का क्या मतलब। जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगा तो आखिर हम उसको पहचान कैसे करेंगे, यहाँ पे डेरिवेट नहीं करना है, आपका सवाल भी लिख दिया मैंने, ठीक है, ये बताना है। मैंने आप बताया कि हमें चेक करना है, जस्ट करके बताना है, रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में होगा तब और रेजिस्टेंस आपका सीरीज में होगा तब, क्या हो सकता है ये उसका आइडेंटिफिकेशन बताना है। अगर हमें पहली से चीजें पता होगी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या होता है, तो एग्जैक्ट बता देंगे। जैसे यहाँ पे नंबर भी दिया है बच्चों, एक पहला नंबर है 1 को 10 की पावर 6 हो, दूसरा नंबर है 1 को 10 की पावर 3 हो एंड 10 की पावर 6 हो। जब हम इन तीनों, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो उसका क्या मतलब होगा, और इन तीनों को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो उसका क्या मतलब होगा। मतलब ये तो पता है हमें कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सीरीज में होता है तो एक साथ हम सबको जोड़ देते हैं, एक तरफ से लेके ये तीनों को जोड़ देंगे, इधर इन तीनों को जोड़ देंगे। बट सवाल हमारा, जब वो पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे तो आखिर हम उसको जज कैसे करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करना है हमें। और देखो, जज करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरा निकालें उस चीज को, ये पता होना चाहिए पैरेलल का क्या मतलब होता है। समझो, जब हम दो रेजिस्टेंस को, मान लीजिए मैंने अपने तरफ से कोई रेजिस्टेंस ले लिया, एक ले लिया 2 ओम और दूसरा भी ले लिया 2 ओम, एक ले लिया 2 ओम, एक ले लिया बच्चा 4 ओम, ये दो ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप समझना, इन दोनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, सीरीज में करूंगा तो क्या होगा। मैंने आपको पहले जब इसका इंट्रोडक्शन समझा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस या हाई और लो या ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस आता है तो अभी क्या करना होगा। देखो, जब कभी मिनिमम, लो और स्मॉलेस्ट, इफर गार्ड आ जाएगा स्मॉलेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, बच्चों इसके लिए हम क्या करते थे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल सिखाया था मैंने आपको पहले, और यहाँ पे इसके लिए करते थे रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये क्या, इसका क्या मतलब होगा, देखो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 2 और 4, देखो सीरीज का मतलब होता है, सीरीज का मतलब होता है सीधा सीधा इनको जोड़ दो, तो 2 + 4 = 6 ओम हो गया। और पैरेलल का मतलब होता है इनका अपॉन करके जोड़ो, एलसीएम 4 हो गया आपके पास, 2 हो गया +1 = 3 अपॉन, और इसको उल्टा कर दो तो 4/3, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.3 यही होगा ना, लगभग आपका 1.3 आ जाएगा। इससे हमें क्या हासिल हो रहा है, ये मिल रहा है पैरेलल में किया तो लोएस्ट स्मॉलेस्ट मिनिमम, एक वर्ड समझो आप स्मॉलेस्ट,
पैरेलल में जब भी हम कोई से भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी पैरेलल करने के बाद, तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, स्मॉलेस्ट आएगी। स्मॉलेस्ट आएगी किस में? स्मॉलेस्ट आएगी ये जो दिए गए हैं ना, इन रेजिस्टेंस से भी छोटी आएगी। इसका सबसे छोटा रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। यहाँ कितना आ रहा है? 1.3। मतलब 1.3 भी 2 से छोटा है। अगर सबसे छोटा यहाँ पे एक और होता, कुछ और होता, तो उससे भी इसकी वैल्यू कम आती। ये हम जानते हैं पैरेलल में करने से जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट है इन दोनों का, इक्विवेलेंट है 1.3 ओम। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये पैरेलल से आया है और सबसे कम है, एक जज किया हमने। दूसरा इधर जाएंगे 2, 4, 6, ये इन जो भी होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उन सभी में सबसे ज्यादा वैल्यू इसका होगा, क्योंकि उस सबको हम ऐड करके जाएंगे आगे। उसको हम पढ़ते हैं लार्जेस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो लार्जेस्ट होगा। अब अपना सवाल जरा समझिए ध्यान से, 1 ओम और 90 पावर 6 ओम, इनको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमने क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्या जज किया कि जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो इसके छोटे वाले से भी कम आएगी। यहाँ पे इसका छोटा वाला 2 है तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी कम आ रही है। इधर जब हम बात करेंगे इन सब की, तो यहाँ पे भी सेम रीजन होगा जैसा फर्स्ट पॉइंट में रीजन होगा, वैसा ही सेकेंड पॉइंट में भी रीजन होगा। तो क्या होगा? 1 ओम और 10 की पावर 3 ओम और 10 की पावर 6 ओम को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू इसके सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से कैसा होगा? कम होगा। ये हमारा सवाल हो गया एकदम इम्पोर्टेंट, और इसका आंसर कैसे समझा, आखिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने में क्या ना, अब यहाँ देखेंगे ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बाहर है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, या हम ऐसे कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज smaller than the value of smallest value of equivalent resistance is smaller than the value of smallest resistance bracket में given when we connect the given resistances in parallel। इसका मतलब हो गया वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट जो भी निकल के आएगा उसका वैल्यू स्मॉल होगा, छोटा होगा, और वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन दोनों में सबसे छोटा ये है, इन तीनों में सबसे छोटा ये है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू इस वन से भी कम आएगा। इसको अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब डेरिवेट कर देते हैं। हियर गिवन R1 = 1 ohm R2 = 10 की पावर 6 ohm। अभी ध्यान दीजिए, जब इसको मैं डायरेक्ट किस पे करूंगा, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1 upon R3 = 1 upon R1 + 1 upon R2। ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल में होने का संकेत होता है। 1 upon R3 = 1 upon R1 which is 1 plus 1 upon R2 which is 10 की पावर 6। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 10 की पावर 6 + 1 upon 10 की पावर 6। इस पूरे को जब हम डेरिवेट करेंगे, और इसका एक हमारे पास तरीका और होता है, मैंने आपको समझाया था, इनको जब हम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या जाता है? R1 R2 upon R1 plus R2। वही चीज़ यहाँ भी निकल के आएगी, 10 की पावर 6 एलसीएम हो जाएगा, इससे एक एलसीएम होगा, तो यहाँ लिखूंगा 10 की पावर 6 प्लस
केस में कट जाएगा तो वन आएगा, मतलब वन अपॉन आर पी। अब हम इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में ही हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 10^6 अपॉन 10^6 प्लस वन। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 0.994। इसका इसको पहले लिख लेना, इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.99 ओम। अब आप एक बात समझिए, ये 0.99 ओम देखो किससे छोटा है, है बिल्कुल छोटा है, वन से छोटा है, मतलब हमारा यहाँ पे इतना ही है बच्चों कि जो भी वैल्यू होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो सब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो उनमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी उस इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसा आएगा, कम आएगा। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने बात करूंगा पहले बच्चों इसके सेकेंड पॉइंट की, जो सेकेंड पॉइंट है इसका, सेकेंड पॉइंट कह रहा है 1 ओम 10^3 ओम 10^6 ओम। जो रीजन है इसका यही रीजन रहेगा, यहाँ पे भी जो रीजन है वो भी यही रहेगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेकंड में बात करूंगा बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको, हियर आर वन इक्वल टू 1 ओम, आर टू इक्वल टू 10^3 ओम और आर थ्री इक्वल टू 10^6 ओम। हम जानते हैं जब इनको भी हम पहले में कनेक्ट करेंगे, सिंस दीज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तब अच्छा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। अब देखो 1 अपॉन आर थ्री पता नहीं है हमको, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन 10^3 प्लस 1 अपॉन 10^6। अब हम जब इनको सॉल्व करने जाएंगे तो जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया वैसे ही आपको सॉल्व करना होगा। देखो बच्चों हमने ना इसका क्या किया, इक्वल हो गया 10^3 का बल में डिवाइड किया तो 0.0097, 10^6 का बल में डिवाइड किया तो 0.0094, ये सबको प्लस कर दिया, प्लस किया तो 1.019 आया, और अपॉन क्या हो जाएगा इसका 1। बच्चों जब इसको पलटेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.984 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना आपको, बहुत सीरियसली करने सवाल, 0.98 ओम भी देखिए आप 1 ओम से कम होता है, ये आपने को एक्सप्लेन करना था, जज करना था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो पूरा हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया है ना वो हमने लिख दिया, क्वेश्चन ने कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप इज 100 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फिल्टर इज 500 ओम, ऑल्सो रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर इज 500 ओम, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तीनों अप्लायंसेस की बात कर रहा है, ये तीनों के तीनों अप्लायंसेस में कनेक्टेड पैरेलल सर्किट में कनेक्ट। और जब बच्चों देखो मैंने पहला वाला 100 ओम था उसको आर वन कह दिया, 500 को मैंने आर टू कह दिया, 500 को तीसरे वाले को मैंने आर थ्री कह दिया। हमारा मन करेगा हम उसको लिखेंगे, जो पहले आ रहा है उसको मैंने आर वन कह दिया, आप इसको आर वन कह दो, इसको आर टू कह दो, इसको आर थ्री कह दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर सिस्टम से चलना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट वाले को आर वन, सेकेंड को आर टू, थर्ड वाले को आर थ्री। अब सवाल पे आते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन में हमसे दिस ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट सिंस दिस ऑल मींस तीनों डिवाइस, बच्चों इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक पिस्टन और वाटर फिल्टर, दिस ऑल आर कनेक्टेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे तो जानते हैं क्या करेंगे इसका, 1 अपॉन दैट टोटल रेजिस्टेंस देखो आपको जब भी ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे फेयर कॉपी पे लिखना है तो अपने पास अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके जरूर बैठना, क्योंकि इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा होता, मैं पढ़ता हूँ पूरा क्वेश्चन, बोल जरूर देता हूँ फिर भी आप उसको पास लेके बैठिएगा। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर पी, अब चूंकि ये पैरेलल में है बच्चों तो 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। अब देखिए मैं एक बार सवाल को पढ़ लेता हूँ,
क्वेश्चन में जो थ्योरी दी है उसको, इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, नॉट बच्चो 500, ये 50 ओम है मेरे बच्चों, यहाँ पे लिख लिया 50 ओम है, सवाल पढ़ने से समझ में आया ये 50 ओम है, दूसरा वाला, तीसरा वाला 500, 50 ओम एंड वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मैंने बोल दिया आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू अ 220 वोल्ट सोर्स, बच्चों ध्यान दीजिए टू अ 220 वोल्ट सोर्स, एंड मैं यहाँ पे कह सकता हूँ और क्या दिया है हमारे पास V = 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट इस पर 80 ओम पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स यानी आईएस, पहले इसकी बच्चों कॉम्बिनेशन को निपटा दें, दो पैरेलल में था ये हमने करना है, तो 1/R3 = 1/R1 1/100 1/50 1/500, इसका बच्चों क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 100 का इस पर डिवाइड 5 प्लस ये 2 प्लस 1, अब आप देख सकते हो 1/R3 = 8/ बच्चों ये तो कैसे हो सकता है यार, जीरो जीरो 10 हो गया यहाँ पे, हाँ 16 होगा, देखो 1/R3 = 16/500, इसको क्रॉस करेंगे बच्चों ये हो जाएगा R3 = 500/16, और जब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका 31 आएगा, 31.25 प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 31.25 आ जाएगा बच्चों, है ना, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका आ गया 31.25। आप यहाँ पे कहानी कुछ और देखो, सवाल पे एक बार फिर पढ़ता हूँ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अपीयरेंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, यहाँ पे हमसे टोटल रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है, तो इन तीनों से होता हुआ टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 31.25 ओम, अब कह रहा है कि इससे होते हुए करंट भी निकालना है, ये जो तीन अपीयरेंसेस की बात कर रहा है इन्हें तीनों की जो थ्योरी है, अब देखो मैं करंट निकाल दे रहा हूँ इसका एंड करंट I = V/R, क्यों हम जानते हैं ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन होता है V = IR, बच्चे यहां से I निकालेंगे तो V/R, अब देखो I = V 220 वोल्ट आर, ये आएगा जो फाइनल निकल के आया है ना वो निकल के आएगा आपका 31.25, अब इसका आप इसमें डिवाइड करेंगे आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी निकल के और ये आपकी वैल्यू आएगी 7.04 एम्पियर, देखो इसका इसमें डिवाइड करके आपका आंसर आएगा, ये आपको तो डिवाइड करना है, मैं ऐसे लिख देता हूँ बट आपको डिवाइड करके सही से लिखना है 7.04 एम्पियर, ये आपका टोटल करंट हो गया, ठीक है आप लोग जाओ एक बात के लिए ध्यान दो इस पे है, हम यहाँ समझा रहे हैं आपको आगे जो तीसरी कंडीशन है उसके लिए, एंड अब जो थ्योरी है ना इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें आंसर बनाना होता है, थ्योरी में हमसे बोला है उसने व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना सिर्फ जो थ्योरी है वो थ्योरी लिख देनी है कि जब इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट होगा इन सभी से दे रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यहाँ पे हम लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया है वैल्यू इलेक्ट्रिक आयरन का, इलेक्ट्रिक आयरन से लेकर के और आपको एज ऑल थ्री अप्लायंसेस तक लिख देना जो क्वेश्चन की थ्योरी में दिया गया है उसको लिख देना, ठीक है देखो बच्चों ये निकाला था करंट भी आ गया हमारे पास में, सिंस जो थ्योरी दे रहा है क्वेश्चन की सिंस इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट इन ऑल थ्री अप्लायंसेस, ये तीन अप्लायंसेस में तो करंट कितना आ रहा था 7.04 एम्पीयर, जो क्वेश्चन में दे रहा है वो थ्योरी लिख दिया, और जब करंट कितना आ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा वही फॉर्मूला V = IR से हमने क्या किया
रेजिस्टेंस निकाला, तो देखो आर जब यहाँ पहुंचेगा तो आई नीचे आएगा, तो वी अपॉन आई। अब वी क्या है आपका 220 है, आई क्या था आपका 7.04। अरे इसका इसमें डिवाइड करोगे तो भी तो यही आएगा, क्यों? क्योंकि जब आपने इसमें डिवाइड करके करंट निकाला है तो इस करंट पे इसमें डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस भी वही आएगा। इसका मतलब हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो रेजिस्टेंस इतना आ गया और करंट हमारा ये आ गया, ये आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी वाला, थ्योरी है जिसमें पूरी कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आपको समझाऊंगा, केवल लिखना आपको आपके नोट्स में मैंने भेज दिया है। क्वेश्चन था हमारा एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट कंपेयर टू द सीरीज सर्किट। हम जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सारी डिवाइसेस को, या घर के जो अप्लायंसेस होते हैं वो सारे अप्लायंसेस मतलब डिवाइसेस, अप्लायंस उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और डिवाइसेस वो भी आ जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं भी चलते और चलते भी हैं। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। सवाल कर रहे हैं आपसे, देखो मैंने दो सर्किट आपको पढ़ाए, एक पैरेलल सर्किट और एक सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट का एडवांटेज हमसे मांग रहा है, क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज बताओ, ये भी कह सकता है पैरेलल सर्किट का डिसएडवांटेज बताओ, हमसे वो दोनों बात बोलेगा। एक में पूछ सकता है एडवांटेज बताइए पैरेलल सर्किट का, तो दूसरा सवाल ये भी आ सकता है कि डिसएडवांटेज बताइए पैरेलल सर्किट का और सीरीज का एडवांटेज और सीरीज सर्किट का ही डिसएडवांटेज। अपन को ना एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझो, रटना वटना नहीं है आपको, पहले बता रहा हूँ मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और सीरीज में क्या अंतर होता है। हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायर और हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फिटिंग होती है वो पूरी होती है किस सर्किट में, पैरेलल सर्किट। हमारे घर की जो वायरिंग है वो पैरेलल में होती है बच्चों, क्यों होती है, वही तो एडवांटेज है। दूसरा, फेस्टिवल पे होली दिवाली जो भी होती थी या शादी पार्टी फंक्शन में जो लाइटिंग होती है, जो उसको डेकोरेट करने के लिए डेकोरेटिव लाइट्स होती है, वो क्या होता है आपने देखा होगा वो किस तरह से लगी होती है, एक के बाद एक के बाद एक, और अगर वो सर्कल की शेप में है तो बहुत सारे आपने देखे होंगे झूमर टाइप लगे होते हैं ना, उनमें ये होता है। इसका क्या मतलब, ये बच्चों एक तरह से हैं, ये सारे किसमें हैं, सीरीज में। मेरा कहने का मतलब हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी वायर पैरेलल में होते हैं। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी वायर का मतलब हो गया बच्चों हमारे घर में जो लाइट फिटिंग होती है वो सारे सर्किट किसमें होते हैं, पैरेलल में। और शादी पार्टी फंक्शन के भी जंगल में नहीं होते, वो भी घर में ही होते हैं, लेकिन वो कब, जब कभी कोई फंक्शन होता है, तब या कोई त्यौहार होता है उस टाइम पर, ये सीरीज में होते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे मैं एक बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो झलर वगैरह चलती है उनका, वो इस टाइप से होती है बच्चों, एक बल्ब यहाँ लगा दिया एक यहाँ, मतलब लगे हुए होते हैं उसमें और वो ग्लो करते हैं। एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ, आंसर इसका थ्योरी में आप खुद भी लिख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ उससे। देखो ये डिवाइस पहले, ये मैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बल्ब लगा दिए मैंने, मान लीजिए। इसी में हमने क्या किया, यहाँ से एक किसी ने टीवी लगा दी, यहाँ पे किसी ने लिया मतलब पंखा लगा दिया, ऐसे समझ लीजिए आप। ये वायर लिया हमने, यहाँ स्विच लगा दिया इसका। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ से इसमें फ्लो करेगी ना, सबसे ज्यादा जो वोल्टेज है वो ये भाई साहब ले लेंगे सबसे पहले वाले, तो सबसे पहला डिवाइस है उसके पास वोल्टेज ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि वो सारा का सारा सीरीज में कनेक्ट है, और जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो बराबर होता है अंतर, 10 डिवाइस होंगे तो 10 के 10 में बराबर अंतर होगा, बंटवारा उनका इक्वल होगा। और यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी है, ये भाई साहब वोल्टेज को, जो वोल्टेज इनके होंगे सबसे ज़्यादा पहले वाले डिवाइस के, उससे कम इसको वोल्टेज मिलेंगे, उससे कम इसको मिलेंगे, उससे कम इसको मिलेंगे, हो सकता है पंखा उठे भी नहीं, उससे कम कर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों जो लास्ट में डिवाइस होगी उसको वोल्टेज सबसे कम मिलेगी, वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, और इस वाले को पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम मिलेगी। बेटा मैंने हिंदी में लिख दिया, सबसे कम मिलेगी जो लास्ट डिवाइस है। अब एक ये इसका डिसएडवांटेज, अगर हमने अपने घर में ये वाला सर्किट लगा दिया पैरेलल वाला,
मान लीजिए किसी घर किसी व्यक्ति का घर है, मैंने घर ही बना दिया यहाँ, ठीक है। आप ऑब्जर्व करिए कि घर है, एक रूम यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक रूम यहाँ पर है, और ये उसकी लॉबी है। यहाँ से एक रूम पर ये निकाल दिया, एक यहाँ निकाल दिया, एक यहाँ निकाल दिया, ये रास्ता ले लिया किसी के घर का, और यहाँ पर जो भी है ना किचन विचन होती है उसके लिए लाइट सब में जाती है। अब समझ लो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आ रही है, बोर्ड आपका यहाँ लगा हुआ है, ध्यान देना मेरी बात पे क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड आपका यहाँ लगा हुआ है। बच्चों ये सर्किट अपन क्या लगा दिया, सीरीज सर्किट लगा दिया घर में, यदि सीरीज सर्किट लगा दिया तो क्या होगा, इस रूम के अंदर लाइट जो होगी इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट होगा वो वोल्टेज ज़्यादा होगा, वोल्टेज इसमें ज़्यादा होगी। अब इसमें से अगर इसमें जा रही है तो इसके बाद वोल्टेज इसमें कम होगी, फिर इसमें और कम, फिर इसमें और कम, फिर इसमें और कम, यहाँ से इधर आ रही है तो इसमें और कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, और कम, 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 और कम होते होते क्या हुआ, खत्म। तो जो घर का एक मेंबर इन घरों में इन रूमों में रह रहा होगा वो तो इलेक्ट्रिसिटी उसके पास आएगी ना। ये है सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज, मतलब पैरेलल सर्किट होने का एडवांटेज यही है। मैंने आपको बताया इसमें मेन पॉइंट क्या निकल के आएगा, इन सीरीज सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट व्हाइल करंट इज सेम। इस सर्किट में सीरीज सर्किट में बच्चों मेरी बात समझना, सीरीज सर्किट में जो करंट होगा आपका उसकी और पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो घट रहा है, बढ़ रहा है ना, मतलब घटता हुआ चला जा रहा है, तो आपका करंट कैसा होगा, सेम होगा सीरीज सर्किट। लेकिन वोल्टेज से मतलब है कि वोल्टेज घटते हुए जाएंगे, तो जो एप्लीकेशन से चलने वाले हैं वो नहीं चलेंगे। अब इसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगा, अंतर बताऊंगा। ये जो मैंने आपको बताया बच्चों इसकी बात करिए, ये बल्ब है, ये भी बल्ब है, ये भी बल्ब है, ये सब एक जब झल्लर जो होती है ना लाइटिंग वाली, उस झल्लर में क्या होता है कि उस झल्लर में जो बल्ब लगे होते हैं बच्चों वो बल्ब एक सेम रेजिस्टेंस के लगे होते हैं, एक सेम क्वालिटी के लगे होते हैं। जितने भी बल्ब होते हैं झल्लर के अंदर सेम रेजिस्टिविटी होती है, सेम रेजिस्टेंस होता है। जब सेम रेजिस्टेंस होगा तो कल के लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, करंट जितना होगा उतना फ्लो करेगा। क्यों, इसका रेजिस्टेंस भी वही है, इसका 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 भी वही है, क्योंकि ये सभी एक वायर से कनेक्ट है, और एक वायर से कनेक्ट है मतलब उस वायर का रेजिस्टेंस एक होगा। तो करंट रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक। लेकिन बच्चों बात हम जो करेंगे ना पैरेलल सर्किट, अभी पैरेलल पे आऊंगा और इसको एक्सप्लेन कर दो एक और पॉइंट। अब मान लीजिए सीरीज सर्किट में ये वाला बल्ब क्या है ना, यहां से ग्लो करना बंद हो गया, जलना बंद हो गया। जब ये ग्लो करना बंद हो गया तो बल्ब के अंदर आप जलर वाले छोटे छोटे बल्ब देखे होंगे, उनमें वायर ऐसे कनेक्ट होते हैं अंदर, और जब वो जलना बंद हो गया है मतलब इस वायर का कनेक्टिविटी इधर नहीं जा रहा, तो इसके आगे वाले डू नॉट ग्लो, मतलब इसके आगे वाले ग्लो नहीं करेंगे। ये ग्लो कर रहा है, ये वाले ग्लो नहीं करेंगे, दिस इज डिसएडवांटेज। ये खराब हो गया तो एक भी काम नहीं करेंगे, सेम बात, प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड सर्किट बना दिया हमने तो क्या होगा, इस रूम की इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया, फॉल्ट हो गया, कोई फॉल्टी कंडीशन इस रूम में आ गई। बच्चों इसके आगे वाले एक भी रूम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, ये भी सीरीज सर्किट का क्या है, डिसएडवांटेज। और ये सीरीज सर्किट के जो डिसएडवांटेज है वही आपके पैरेलल सर्किट के क्या है, एडवांटेज। पैरेलल सर्किट क्या है, वो एडवांटेज है। क्यों, क्योंकि उसमें मैं आपको बताता हूँ चीजें, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज सर्किट में करंट सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, डिफरेंट। देखो अब बात आती है बच्चों इसके बाद में, मैं आपसे बोल रहा था सीरीज सर्किट में करंट कैसा होता है, सेम मतलब कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट होगा बच्चों, और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है
पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों को कैसा होगा, डिफरेंट होगा किसके लिए, फॉर ईच डिवाइस, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच डिवाइस डिफरेंट, करंट इज कॉन्स्टेंट इन सीरीज सर्किट, एक इनमें से इफ वन डिवाइस विल नॉट वर्क प्रॉपरली देन आफ्टर दैट ऑल द डिवाइसेस ऑल्सो विल नॉट वर्क प्रॉपरली, एक डिवाइस अगर काम करना बंद कर देगी या प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो उसके आगे वाले उसके बाद वाले जितने भी डिवाइसेस हैं वो भी अपना काम नहीं करेंगे, किस सर्किट में, सीरीज सर्किट, जबकि पैरेलल सर्किट में आता हूं मैं, समझना ध्यान से, पैरेलल सर्किट में प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा डिफरेंट, बात समझ, पैरेलल सर्किट में करंट आपका डिफरेंट होगा, इन पैरेलल सर्किट करंट इज डिफरेंट, व्हाई, ध्यान समझ लो बच्चों, हमारा घर, हमारे घर में फैन होता है, लाइट होती है, टीवी होती है, कूलर होता है, फ्रिज होता है, बहुत सारी डिवाइस होती है और हर डिवाइस का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है, हर डिवाइस के जो मतलब वायरिंग है उसके अंदर वो अलग अलग रेजिस्टेंस की होती है, डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है करंट, समझना, और रेजिस्टेंस का करंट के साथ क्या संबंध होता है, रेजिस्टेंस का करंट के साथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब रेजिस्टेंस आपका डिफरेंट होगा, मान लीजिए ये सारी डिवाइस हमने पैरेलल में लगा दिए, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा तो करंट अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा तो इसका भी करंट अलग होगा, क्यों, रेजिस्टेंस के घटने पर करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस के बढ़ने पर करंट घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है, करंट पैरेलल सर्किट में करंट इज डिफरेंट व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, इसी संभव पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जो वोल्टेज होंगे वो सेम होंगे, क्यों सेम होंगे, हमारे घर में जब इलेक्ट्रिसिटी की बात बनती की जाती है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट बैटरी से या फाइनल मैन सर्किट से जब उसको कनेक्ट किया जाता है तो उसमें बच्चों मान लीजिए ये मैंने डिवाइस ली, ध्यान समझ, एक यहां पर गया बच्चों और एक यहां पर गया, अब जरा कोशिश करिए समझने का, 220 वोल्टेज आ रहे थे, ये 220 वोल्टेज इधर भी बढ़ गए और इधर भी बढ़ गए, क्यों, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, कुछ डिवाइस यहां लगे हैं, कुछ डिवाइस यहां लगे हैं बच्चों, ये और ये पैरेलल होने का मतलब होता है समानांतर, समान रहेगा, उनमें हमेशा जो डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा, किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और ऐसा क्यों, रेजिस्टेंस उस सब डिवाइसेस के अलग अलग होते हैं, किसी में बल्ब लगा है, किसी में फैन लगा है, अब रूम घर में है, मकान के अंदर रूमों में हर रूम का अलग अलग अप्लायंसेस होता है, उसमें क्या है, वोल्टेज उसके सेम जाते रहेंगे, और जब वोल्टेज सेम जाएंगे तो जो जितना पहला वाले रूम में वर्क हो रहा होगा उतना ही वर्क लास्ट वाले रूम में हो रहा होगा, ये वोल्टेज नहीं घट रहे, पहले वाले रूम में मान लीजिए लाइट पंखा टीवी कूलर फ्रिज सब चल रहा है और एक भाई उस मकान का रहने वाला लास्ट रूम में रह रहा है तो उसको भी सारा मिल रहा है और वो भी इलेक्ट्रिसिटी से अपने जितने भी डिवाइसेस हैं चला पा रहा है, सीरीज सर्किट में मैंने बताया था, इस रूम में जो रह रहा होगा स्टार्टिंग वाले को वो तो सब देख पाएगा और लास्ट वाले की बीवी झाड़ा करना शुरू हो जाएगी, फिर उसके घर में वोल्टेज नहीं जा रहे होंगे, और जब वोल्टेज कम होते हैं ना तो कुछ भी नहीं चलता, पंखे भी नहीं चलते, टीवी भी नहीं चलती, समर पंप भी नहीं चलती, आपको पता है पहले सर्किट में होगा तो पूरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो सारी की सारी वोल्टेज इक्वल जा रहे होंगे, करंट डिफरेंट होगा, क्यों, डिवाइसेस पर डिपेंड करेगा, एक हाई क्वालिटी का ले आता है कोई, किसी के घर में एक रूम में हीटर लगा हुआ है, किसी के में हीटर नहीं है, तो जिसके में हीटर लगा है उसके में करंट उसको ज़्यादा चाहिए, क्यों, रेजिस्टेंस की वजह से, एंड मान लीजिए इस रूम की इलेक्ट्रिसिटी कट गई, इस रूम की जो कोई डिवाइस है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो बच्चों बाकी के जितने बल्ब हैं वो सभी प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे, पैरेलल सर्किट में इफ वन डिवाइस इज नॉट वर्क प्रॉपरली देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन एनी अदर डिवाइसेस इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट,
हमारे घर में जब एक डिवाइस प्रॉपर काम नहीं करती है तो बाकी की दूसरी सारी डिवाइसेस काम करती रहती है, कोई इफेक्ट उन पर नहीं पड़ता है। और सीरीज सर्किट होता उस डिवाइस के आगे वाली सारी डिवाइसेस चलती रहती, उसके पीछे वाली एक भी डिवाइस नहीं चलती। इसीलिए हम अप्लाई किसको करते हैं, पहला सर्किट को अप्लाई करते हैं अपने घरों के अंदर, सीरीज सर्किट को नहीं करते हैं। आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा आंसर इसकी, जो मैंने भाषा बोली, हिंदी भी बोली, इंग्लिश भी बोली, आप इसमें से ढूंढ के भी लिख सकते हो और आपको जैसे नोट्स मैंने भेज दिया है उसमें से भी लिख सकते हो। एकदम इम्पोर्टेंट चल रहा था ये क्वेश्चन नंबर 15 था आई थिंक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ कह रहा है ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm, इनको हम कैसे कनेक्ट करें, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हम कैसे कनेक्ट करें कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आए बच्चों वो 4 ohm आ जाए और 1 ohm आ जाए, एक बारी वो 4 ohm आ जाए और एक बारी वो 1 ohm आ जाए। मैं सवाल फिर समझ रहा हूं, ये जो गिवन रेजिस्टर है मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm 3 ohm and 6 ohm टू बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस to give our total resistance 4 ohm and 1 ohm. इन दिए गए तीनों resistances के, किसी resistor के तीन resistance हैं, इन 3 resistances को हम आखिर कैसे connect करें कि total resistance 4 ohm आ जाए और अगली मरतबा total resistance 1 ohm आ जाए। अब इस सवाल को करने के लिए मैं आपको तो बता सकता हूँ बच्चों इसको सीरीज में ले लो, इसको पैरेलल में ले लो, लेकिन नहीं, अब इसको समझो। या तो अपनी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्वेश्चन का थ्योरी यही रहने दिया, वैल्यू बदल दी, अब क्या करो, क्या चलो इन क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैंने किया रेजिस्टेंस इज 2 ohm 0.6 ohm, R1 R2 R3 एस्पेक्टिवली, एक बात समझो आप, ये हमारे पास दिया गया 236, इन 236 का हम क्या कर सकते हैं, अगर इन तीनों को बच्चों में ऐड कर दूंगा तो सीरीज में कितना हो रहा है 11 ओम, मीनिंग साफ हुआ 2 ओम 3 ओम 6 ओम। अगर आंसर क्वेश्चन में यह आता कि इन तीनों को आखिर आप कैसे कनेक्ट करोगे कि 11 ओम आ जाना है, तो आप जवाब देते इन तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, आंसर हमारा रेजिस्टेंस इसका 11 ओम आ जाएगा। एक बार अब अपन को 11 तो नहीं चाहिए यार, ठीक है, इनमें से इनको एक बार पैदल करके देख लेते हैं। पहली कहानी, जो भी दिए गए रेजिस्टेंस हैं उनको आप पहले सीरीज करो फिर पैरेलल करो, शायद पैरेलल से मिल देख लेते हैं। ये रफली बता रहा हूँ आपको, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 6, एलसीएम 6 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 2 3 5 6 6 6 12। बच्चों ये तो ये वाला आ गया, मतलब सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया कि हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, एक वैल्यू हमारे पास आ गया। चलिए ये तो अच्छा हुआ कि पैरेलल में कनेक्ट करने से दूसरा वाला आंसर आ गया, लेकिन ये चलिए पहले हमने बोला आपसे आप जितने भी 3 और 4 डिवाइसेस दिए हैं, रेजिस्टेंसेस दिए हैं, उन सबको सीरीज में करो फिर उन सबको पैरेलल में करो, आंसर आ जाए बहुत अच्छी बात। पैरेलल में करने के बाद भी आंसर नहीं आता तो क्या करते बच्चों, इनमें से कोई से दो को आप ले लो सीरीज में, ध्यान से समझ लो, कोई से दो को सीरीज में, उसके बाद जो एक रह जाएगा उसको और जो आएगा उसको ले लो पैरेलल में, तब आंसर आएगा, और तब भी नहीं आए तो कोई से दो को ले लो किसे बच्चों, पैरेलल में, ये दो नहीं कोई से दो रेजिस्टेंस को, कोई से दो को पैरेलल में ले लो उसका जो आंसर आएगा वो, और जो रह जाएगा तीसरा वो उसको सीरीज में ले लो आ जाएगा आंसर। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 2 3 6 बच्चा ध्यान से समझना, मैं इनमें से कह रहे बच्चों 2 को और 6 को देख रहा हूं, 2 और 6, देखो 3 को और 6 को, ये 3 और 6 में ले रहा हूं पैरेलल में, 3 ohm और 6 ohm ले रहा बच्चों पैरेलल में, ध्यान से समझना, जब मैं इनको पैरेलल में लूंगा तो पैरेलल का हमने आपको बताया था 3 into 6 upon 3 plus 6, बताया था ना, अरे भाई R1 R2 upon R1 plus R2 18 upon 9 कितना आया 2 ohm,
ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में ले लो, सीरीज में। बच्चा 2 ओम और 2 ओम कितना आ जाएगा, 4 ओम। हमने कहा आपसे अगर, और ज्यादातर 3 आते हैं, ये 3 ही होंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस 100% में से 99.99 यही होंगे। इसी तरह के पहले बात आप तीनों को सीरीज में लो, आंसर आ जाए, नहीं आए तीनों को पैरेलल में लो, आंसर आ जाए। फिर भी नहीं आए तो उनमें से कोई से 2 को पैरेलल में लो, पहले पैरेलल में लो कोई से 2 को, और फिर वो दोनों से पैरेलल लेने के बाद आंसर नहीं आए, 2 को पैरेलल में लो, फिर एक जो रह गया उसको और उसको सीरीज में ले लो, आ जाएगा। जैसे इसको लिया हमने, अगर उनसे नहीं आए तो जो दूसरे 2 रह गए हैं उन 2 को डिफरेंट करके पैरेलल में ले लो, आंसर आ गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, मैं इसी प्रॉपर आंसर की तरफ जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, हमें 4 ओम और 1 ओम कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू ऑक्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टू ऑक्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम We should connect 3 ohm and 6 ohm are in parallel and then connected in series। इसका पहले बच्चों का फिगर बना रहा हूं, देखिए बड़ा ध्यान से, ये आपका 3 ओम और ये 6 ओम और ये 2 ओम, दैट इज 3 ओम आपका था R2 प्लस R3 आपके 2 ओम आ गया, इसका सर्किट बदल जाएगा, इन दोनों का यहां पे आ जाएगा, ये 2 ओम और ये वाला 2 ओम। नाउ R3 एंड R1 एक कनेक्टेड इन सीरीज, R1 plus R2 plus 2 which is 4 ohm. जो मैंने अभी ट्रंप इसको किया था,
कॉलम भी हमने प्रूव कर लिया और फर्स्ट वाला कॉलम भी प्रूव कर लिया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इनको दो तीन बार रिविजन कर लेना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 18 का जो न्यूमेरिकल है ना, उसमें क्या करना, हमसे कह रहा है क्वेश्चन है 4 कॉइल्स है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम अजंता रेजिस्टेंस, इनको हमें कैसे कॉम्बाइन करना है, कैसे कनेक्ट करना है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ जाए और लोएस्ट निकल के आ जाए। अब ये भी मैंने आपको सिखाया था, लोएस्ट करने के लिए, स्मॉलेस्ट करने के लिए अपन को क्या करना होता है, पैरेलल में करना होता है। इन सभी को जब हम क्या करेंगे, पैरेलल सर्किट में कर देंगे। देखो लोएस्ट करने के लिए आप समझ लेना आपको क्या निकाल लेना है, पैरेलल, इन चारों को पैरेलल कर देना, लोएस्ट आ जाएगा। लोएस्ट में भी क्या आएगा, 4 ओम से आंसर कैसा आएगा आपका, कम आएगा, तो सबसे छोटा होगा इनके सभी के बीच में, अमाउंट इज ऑल 4 ओम स्मॉलेस्ट है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा लोएस्ट का वो 4 से भी कम आएगा। ये मैंने अभी डेरिवेट किया। दूसरा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे आप, इन सभी को सीरीज में कर दोगे, ये सबको ऐड कर देना आपका हाईएस्ट आ जाएगा, और पैरेलल क्या निकाल देना आपका लोएस्ट आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, अब इस पर रह गया 19, 20, 21, 22, 23, ये न्यूमेरिकल, ये बहुत सरल है, इनका पार्ट मैं पहले करा भी चुका हूँ आपको, और सभी में ना पावर और इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी और P इक्वल्स टू वी आई का आप यूज करके इनके बाकी के न्यूमेरिकल कर सकते हो। अदरवाइज की कंडीशन में मैं ये आपको करा दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आपको भी नहीं छोड़ रहा, ये हम नेक्स्ट डे कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको जरूर करेंगे।